कक्षा 7 विषय गणित, इसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.1। तो 11.1 का जो सवाल है आज वो है, आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप कितना है? 130 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। क्या ज्ञात करना है? लंबाई, और साथ में क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई तो है, लंबाई नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये हमें दे रखा है 130 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 130 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो हम पहले ज्ञात ज्ञात करेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई का सूत्र होता है जब परिमाप दे रखा हो, तो सूत्र है इसका परिमाप बट्टा 2, परिमाप बट्टा 2 माइनस चौड़ाई, माइनस चौड़ाई। आयत की लंबाई का सूत्र क्या है? परिमाप बट्टा 2 माइनस चौड़ाई। अब परिमाप कितना दे रखा है? 130। इसमें किसका भाग देना है? 2 का। जो आंसर आएगा उसमें से चौड़ाई घटानी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30। तो देखिए 2 का भाग 130 में, तो 6 दुनी 12, 6 बार गया, 1 बच गया, 0 उतरा 10, 2 पंजे 10, कितनी बार गया? 65 बार। तो 2 का भाग 130 में लगाया तब कितना आंसर आया? 65। और 65 में से हमने 30 घटाने हैं। कितने घटाने हैं? 30। तो 65 में से 30 घटाते हैं, 65 माइनस 30, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गए 3, कितना आया? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ये क्या निकली? आयत की चौड़ाई, सॉरी आयत की लंबाई। क्या निकली? आयत की लंबाई। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो देखिए हमने निकाली अभी 35, चौड़ाई आपको दे रखी थी 30, इन दोनों की आपस में क्या करनी है? गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा करनी है। तो देखिए 65 को 30 से गुणा, पहले 0 से करें, सॉरी 35 को 30 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। उसको कल 0 को 0 किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस 0 ही आता है, इंटू 3 को 5 से किया, 3 पंजे 15, 1000, 3 को 3 से किया, 9 और 1 10, जोड़ा 0501, कितना आया? 1050,
हजार पचास। अब ये दोनों इकाइयाँ किसमें हैं? सेंटीमीटर में। इसमें है सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करते हैं तब क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से दिए गए सवाल को हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।